नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राधे। कुछ दिनों पहले आपने एक खबर देखी होगी जिसमें ये कहा गया कि कुवैत सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसे लगभग 8 लाख से ज्यादा भारतीयों की नौकरी छिन जाएगी, और इसको लेकर काफी हो हल्ला भी हुआ था। विदेशी मामलों के जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि इससे भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी और इससे भारतीयों पर दबाव बढ़ेगा, और कहा गया कि सरकार इसमें दखल दे जिससे कि 8 लाख परिवारों को राहत मिले। उसके बाद अब जाके बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज ने ये जानकारी दी है कि नए कानून के तहत घरेलू कामगारों, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य, देशों के नागरिकों, सरकारी ठेकों में काम करने वाले लोगों, राजनयिकों और कुवैती नागरिकों के रिश्तेदारों को कोटा सिस्टम से बाहर रखा जाएगा। अखबार कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस कानून का मकसद दूसरे देशों के लोगों को कुवैत में नौकरी हासिल करने से रोकना है। हालांकि नियोक्ताओं को एक निश्चित संख्या में विदेशी लोगों को नौकरी देने की छूट दी गई है। विदेशियों की भर्ती के लिए निर्धारित कोटे से ज्यादा लोगों की भर्ती करने पर नियोक्ताओं के लिए जेल की सजा और जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए 15% का कोटा तय किया गया है। श्रीलंका, फिलीपींस, मिस्र के लिए 10-10% का कोटा तय किया गया है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम के लिए 5-5% का कोटा तय किया गया है। अब न्यूज़ के अनुसार कमेटी ने कहा है कि नए कानून के लागू हो जाने के बाद निर्धारित कोटे से ज़्यादा हो गए लोगों को अपने देश जाने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन उन देशों से नियुक्ति तब तक रुकी रहेगी जब तक कि ये निर्धारित कोटे के अनुरूप ना हो जाए। इससे पहले इस कानून से वहां रहने वाले तकरीबन 10 लाख प्रवासी भारतीयों में से 8 या 8.5 लाख लोगों को बिल के पास होने के सूरत में वापस लौटना पड़ सकता है। यहां पर एक और जानकारी आपको देते चले कि सऊदी अरब के उत्तर और इराक के दक्षिण में बसे इस छोटे से मुल्क की तकरीबन 45 लाख की कुल आबादी में मूल कुवैतियों की जनसंख्या महज 13-13.5 लाख ही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की पहल पर और कूटनीतिक प्रयासों से ये काम सफल हुआ है, और फिर जाके दबाव के तहत कुवैत सरकार ने इसका समाधान किया है।